42 के अंदर कुलदीप भार्गव को मोहल्लेवासियों की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की टिकट का इन लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने भारी प्रत्याशी को रातों रात लाके जो कांग्रेस से आए थे उनको टिकट दे दी, जिससे वार्डवासी असंतुष्ट थे। वार्डवासियों ने तय करके दो पर्चे भरवाए थे, आपसी सामंजस्य से तय करके बालचंद्र स्वामी ने एक छोटे बच्चे को आशीर्वाद दिया है कुलदीप भार्गव को, वो हमारे मोहल्लेवासियों का उम्मीदवार है। वार्डवासियों कहने से ये पर्चे भरे गए हैं बालचंद्र स्वामी के और कुलदीप भार्गव के। वार्डवासियों को भारी प्रत्याशी मंजूर नहीं है। भाजपा नेतृत्व ने इस मामले में नए हम पूर्व पार्षदों से और नए मोहल्लेवासियों की किसी राय ली है, ऊपर की अपनी मनमर्जी से टिकट दिया, नया मालूम क्या कारण है उसका, लेकिन वार्डवासियों ने तय किया कि हमें ये उम्मीदवार मंजूर नहीं है, आप लोग चुनाव लड़ो। नगरपालिका चुनाव में आज नामांकन उठाने का अंतिम दिन है। कांग्रेस और बीजेपी अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी और पर्चे उठवाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है और कुछ से कार्यकर्ताओं को मनाने में सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वार्ड नंबर 42 के अंदर एक अद्भुत बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो पूर्व पार्षद है बालचंद जी स्वामी, उन्होंने अपना नामांकन निर्दलीय के समर्थन में कुलदीप भार्गव के समर्थन में उठा लिया है। और यहाँ पर जो आरोप है कि भाजपा के द्वारा कांग्रेस के बागी को टिकट दे दिया गया है और जिससे नाराज होकर पूरी की पूरी भाजपा वहाँ पर एकजुट नजर आ रही है, जिसमें राजेंद्र आंचड़िया इसी वार्ड से पार्षद रहे हैं और वो भाजपा के बड़े नेता रहे हैं और बालचंद स्वामी यहाँ से पार्षद रहे हैं और इन्होंने इसी कांग्रेस से जो भाजपा ने टिकट दी है इसी उम्मीदवार को पहले मतलब ये हरा चुके हैं और अब बालचंद स्वामी ने भी यहाँ पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन इनका फिर से है कि भाजपा के द्वारा जो बागियों को टिकट दी गई है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और इनको भाजपा को और बागियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो भाजपा के पूरे के पूरी भाजपा यहां पर लामबंद नजर आ रही है। हम यहां बात करते हैं उम्मीदवार कुलदीप भार्गव के पिता राधेश्याम जी भार्गव से। राधेश्याम जी, इस वार्ड में किस प्रकार की परिस्थितियां है? बालचंद जी स्वामी है वो भी भाजपा के बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने भी एक साधारण कार्यकर्ता होने के बावजूद बड़ा धमाका बीजेपी में किया था और इसी कांग्रेसी उम्मीदवार को उन्होंने हराया था, तो अब आपका किस प्रकार का गठबंधन हुआ है और क्या रणनीति है? भाजपा ने गलत नीति के कारण से हमारे यहाँ मतलब क्या जो उम्मीदवार दिया है वो एक पैसे वालों के बलबूते के ऊपर दिया है और हम इसको पूरा भाजपा परिवार कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। 42 नंबर वार्ड के सभी कार्यकर्ता मिलकर जुट एक हो रहे हैं और एक होकर बागी जो भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार उतारा है उसको स्वीकार नहीं किया है और उसके समर्थन में सारी भाजपा असली जो भाजपा है वो सारी की सारी एक तरफ होके और कुलदीप भार्गव को समर्थन दिया है। पूरी की पूरी भाजपा एकजुट होने की बात कही रही है। बाल जी, आपने भी नामांकन दाखिल किया था, आप भी यहाँ के मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं, यहाँ से पार्षद भी रहे हैं, तो आपने में क्या रणनीति बनाई है अब और जो आज नामांकन उठाए? मैं तो इन समर्थन दे दिया क्यों गए? रात ने कांग्रेस में सुबह बीजेपी में आनो, मैं हाँ बीजेपी गई बीजेपी में रशिया, लेकिन समर्थन कुलदीप भाई ने भतीजे ने दिया। इन्होंने अपने भतीजे कुलदीप को समर्थन दे दिया है, इनका कहना है कि जो रात को कांग्रेस में रहे और सुबह भाजपा में आ जाए ऐसे कार्यकर्ता के वो खिलाफ है और वार्ड के कुछ लोग और हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वार्ड नंबर 42 की क्या परिस्थिति है? वार्ड नंबर 42 की ये स्थिति है कि वार्ड के कार्यकर्ता को दरकिनार करके पैराशूट उम्मीदवार को टिकट दिया है, इससे वार्ड के मतदाताओं में भारी रोष है और इन्होंने वार्ड के मतदाताओं ने सारे मिलकर भाई कुलदीप भार्गव को समर्थन करने का ऐलान किया है और विजय बनाने का निर्णय लिया है। आपको क्या लगता है पैराशूटी उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देने के पीछे भाजपा की क्या मजबूरियाँ रही होगी? बड़े उद्योगियों का समर्थन और जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको दरकिनार किया है भाजपा के द्वारा। जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाना और पूंजीपतियों को महत्व दिए जाने का परिणाम भाजपा को यहाँ भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो भाजपा के लगातार सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन भाजपा को दिया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की वजह से अब भाजपा वहाँ एकजुट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहले भाजपा में 42 नंबर में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी थी, लेकिन मूल रूप से किसी भाजपाई कार्यकर्ता को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। क्या परिस्थितियाँ आपको? परिस्थितियां हमारे भाई कुलदीप के समर्थन में ही लग रही है। पूरा वार्ड है वो मतलब जो बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके विरुद्ध लामबंद हो चुका है
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है 35 साल से, राधेश्याम जी भी भाजपा के समर्थन में रहे हैं, बाल जी भी भाजपा के समर्थन में रहे हैं, तो क्या पार्टी का कार्यकर्ता केवल दरिया बिछाने के लिए ही, मतलब दरिया बिछाने के लिए ही नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए, को भी मौका मिलना चाहिए भाई। इन्होंने भी अपने इतने 35 सालों के कार्यकाल के अंदर चाय पिलाई है, दरिया बिछाई है, तो मेरे हिसाब से तो इनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन एंड मतलब समय पर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट नहीं देने का यहाँ पर विरोध नजर आ रहा है। हमारे साथ है अब जो भाजपा के पुरानी जो भाजपा है और जो अब निर्दलीय के समर्थन में लामबंद हो चुकी है, वो चेहरा है कुलदीप भार्गव। हम कुलदीप भार्गव से जानने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है भाजपा ने जो टिकट दी है उसकी क्या पोजिशन रहेगी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की जान का, जो इस मुद्दे को और जनता के सामने लाने की कोशिश की है। और अब 42 नंबर वार्ड की ये स्थिति है कि जो असली भाजपा और नकली भाजपा का जो चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है कि पूंजीपतियों के दम के ऊपर टिकट लाने से कभी जीत हासिल नहीं होती है, जीत हासिल होती है मतदाताओं के साथ, सच्चे सिपाहियों के साथ रहने से ही जीत हासिल होगी और उन्हीं के बल पे जीत होगी, ना कि पूंजीपतियों से बल के ऊपर टिकट लाने से कभी जीत हासिल हुई है ना कभी होगी। आपका कहने का मतलब पूंजीपति टिकट तो दिलवा सकते हैं, वोट नहीं दिलवा सकते? वोट सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन है, वो ही फैसला करेगी। नकली भाजपा और असली भाजपा के बीच में क्या अंतर है? एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से कभी जीत हासिल नहीं होगी और ये उम्मीद उनकी जनता नकार देगी कि वो जीत के कभी जा पाएंगे या कभी नहीं अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएंगे। टिकट देने वाली और टिकट लेने वाली भाजपा कह रही है कि हम लड़ाई में हम जीतेंगे, उनके मन में सिर्फ बहम है इस चीज़ का कि वो टिकट के बलबूते पे जनता जिसके साथ होगी, जो 35 साल से जनता के साथ कार्यकर्ता बीजेपी के साथ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जनता है। और हमारे चाचा जी हैं बालचंद जी, ये हमारे सबसे पहले पार्षद रहे हैं बीजेपी में, उन्होंने जो अभी नकली भाजपा बनी है उनको हरा के जीत के हासिल करके आए हैं, वो कांग्रेस में थे उस वक्त, तब उन्होंने इनके सामने हार के और वो गए थे, अब ये हमारे साथ हैं, तो असली भाजपा और नकली भाजपा का ये अंतर है, ये जनता देख रही है और सुन रही है और समझ रही है। राजेंद्र जी आंचलिया भी यहाँ पे भाजपा के बड़े दिग्गज लीडर रहे हैं, राजेंद्र जी हैं वो हमारे साथ हैं, ठीक है, उनको भी इस चीज़ से बड़ा दुख हुआ है कि जो असली कार्यकर्ता हैं उनको टिकट ना देके और एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले को टिकट दिया है, तो इसलिए सब पूरा वार्ड है 42 नंबर वार्ड वो दुखी है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर नकार कर दरकिनार कर और नकली जो बनी हुई है उनको लेके आए हैं। कुलदीप आप युवा उम्मीदवार हैं, आपने चुनाव को लेकर काफ़ी संपर्क वगैरह भी किया हुआ है, तो भाजपा आपको कहाँ नज़र आ रही है? भाजपा का नज़र ही नहीं आ रही है कहीं पे, भाजपा सबसे लास्ट जो निचले स्तर पर हो वो वहाँ पर उसकी स्थिति होगी और उसका कोई तोड़ ही नहीं है कि वो बिल्कुल लास्ट रहेगी और उसका ना तो कभी ये समझ लो कि दौड़ के अंदर है और ना रहेगी। अपनी टक्कर किसे मानते? मेरी टक्कर है जो हमारे जो पुरानी भाजपा जिसको बोलते हैं असली भाजपा है उसकी टक्कर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ होगी, बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसे आप नकली भाजपा कह रहे हैं कि तो वो मतलब बिल्कुल त्रिकोणीय नहीं बना पाएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल त्रिकोणीय नहीं बना पाएगी, अपनी जामनी भी जब्त उसकी हो जाएगी और बिल्कुल भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो पाएगा। तो ये है कुलदीप, इनका कहना है कि भाजपा ने जिस प्रकार से पूंजीपतियों के सिफारिश में और दबाव में जो टिकट दिया है, तो इस स्थिति में भाजपा अपनी जमानत भी वार्ड नंबर 42 में नहीं बता पाएगी। और वार्ड नंबर 42 में जैसा हमने कि आपको बताया है कि वहाँ पे जो पुरानी भाजपा है और जो सक्रिय भाजपा है वो एकजुट नज़र आ रही है, जिसमें राजेंद्र आंचलिया है, बालचंद स्वामी है, राधेश्याम जी भार्गव है, कुलदीप भार्गव के पक्ष में एक लंबी चौड़ी जो भाजपा है वो खड़ी भी दिखाई दे रही है। तो अब देखना ये है कि कांग्रेस यहाँ पर टक्कर दे पाती है या नहीं, और जो भाजपा है वो अपनी जमानत नहीं बचाने की बात की जा रही है, तो जमानत बचा पाती है या नहीं, इसका फैसला जनता करेगी 28 जनवरी को।